Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home and preparing for your upcoming examinations. As you have already monitored that the corona cases has been drastically decreasing now. So government will plan the postponed examination in upcoming weekend. So be prepared for that. So today we have brought you the current affairs lectures. I hope you have gone through the earlier current affairs lectures. It is very important for you guys to go through each and every topic of the current affairs, because all the exam related important current affair topics are being covered in our online lectures. So आज का जो हमारा पहला topic है that is related to China, और China ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है अपनी चाइल्ड पॉलिसी में, राइट. सो चाइना रिलैक्सेस टू चाइल्ड पॉलिसी लेसन्स फॉर इंडिया. तो देखिए, चाइना इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ इंडिया विल सरपास द चाइनीज़ पॉपुलेशन. अब चाइना ने 30-35 साल पुरानी अपनी जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया है. क्यों चाइना को सडनली ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उसको चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी? क्यों टॉपिक में ऐसा लिखा गया है कि लेसन्स फॉर इंडिया? ओके, सो वो ये सारी चीज़ें हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. सो रिसेंटली चाइना रिलैक्स्ड इट्स टू चाइल्ड पॉलिसी एंड अनाउंस्ड इट विल नाउ अलाउ 3 चिल्ड्रन पर मैरिड कपल. देखिए, अब तक वहाँ के जो मैरिड कपल थे उन लोगों को तीसरा बच्चा करने की अनुमति नहीं थी, 2 से ज़्यादा बच्चे करने की अनुमति नहीं थी, राइट. और वहाँ पे कंपलसरी बना लिया गया था कि आप तीसरा बच्चा नहीं कर सकते. अगर आप तीसरा बच्चा करते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे गवर्नमेंट की तरफ से. तो उसको अब रिलैक्स कर दिया गया है. नाउ गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड यू दी परमिशन दैट यू कैन प्लान योर third child. It also announces that it would increase the retirement age by a few months every year. For the past 4 decades, the retirement age in China has been 60 for men and 55 for women. तो देखिए, अब इससे क्या हो रहा है, ये जो पॉलिसी थी उससे ये हो रहा है कि चाइना में जो एल्डरली पीपल की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही है. और जब एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी जो नेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो चाइना आने वाले सालों में ये नहीं चाहता कि काम करने वाले लोग कम हो और घर पर बैठ के खाने वाले लोग ज़्यादा हो, राइट. एंड दैट्स वाई चाइना हैज़ मेड ईज इन द टू चाइल्ड पॉलिसी. क्या थी चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी? तो पहले लाई गई थी वन चाइल्ड पॉलिसी. सो चाइना एम्बार्क्ड अपॉन इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1980 व्हेन इट्स गवर्नमेंट वाज कंसर्न्ड दैट कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलेशन विच एट टाइम वाज अप्रोचिंग 1 बिलियन वुड इम्पीड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो उस टाइम पे क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा थी, इंडिया तो पहले काफ़ी पीछे था, बट इन सेवरल ईयर्स, पास्ट सेवरल ईयर्स इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली बढ़ रही है. Chinese authorities have long hailed the policy as a success, claiming that it helped the country avoid severe food and water shortages by preventing up to 40 crore people from being born. देखिए, 40 करोड़ लोगों को approximately जन्म लेने से रोका गया according to the Chinese government under the one child policy. और इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर Chinese population बढ़ जाती तो चाइना के पास इतना food और वाटर सप्लाई नहीं था कि वो सारी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से फीड कर सके. तो ऐसी क्राइसिस से चाइना की पॉपुलेशन को बचाया गया, ऐसा कहना है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का. इट वाज अ सोर्स ऑफ डिसकंटेंट एज द स्टेट यूज्ड ब्रूटल टेक्टिक्स सच एज फोर्स्ड अबॉर्शंस एंड स्टेरिलाइजेशंस. तो काफ़ी लोग इसको मानने से कतरा रहे थे, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी को. और चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो जब ऐसी गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, तो आपको चाहे कोई रूल पसंद हो या ना पसंद हो, आपको वो मानना ही पड़ेगा. और काफ़ी लोगों को चाइना में काफ़ी पॉपुलेशन को वन चाइल्ड पॉलिसी वाला रूल पसंद नहीं था. तो चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ लोगों को पकड़ कर अबॉर्शंस और फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस जैसे, जिसे हम नसबंदी कहेंगे, तो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस जैसे जो उपाय है वो आजमा रही थी ताकि लोग दूसरा बच्चा प्लान ना कर पाए. इट ऑल्सो मेट क्रिटिसिज्म एंड रिमेन्ड कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फॉर बीइंग अनफेयर टू दी पुअर. तो काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको क्रिटिसिज्म भी मिला. टू चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? सो फ्रॉम 2016 द चाइनीज़ गवर्नमेंट फाइनली अलाउड 2 चिल्ड्रन पर कपल। तो ये काफ़ी रिसेंट पॉलिसी में बदलाव किया गया था। तो 2016 से पर कपल दूसरा बच्चा प्लान करने की भी परमिशन दे दी गई। अ पॉलिसी चेंज दैट डिड लिटिल टू अरेस्ट द रैपिड फॉल इन पॉपुलेशन ग्रोथ। 3 चाइल्ड पॉलिसी क्या है? इट वॉज अनाउंसड आफ्टर चाइनाज 2020 सेंसस डाटा शोड दैट कंट्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज फॉलिंग रैपिडली डिस्पाइट द 2016 रिलैक्सेशन। तो लोगों को परमिशन दे दी गई कि आप एक से ज़्यादा 2 बच्चे प्लान कर सकते हो, बट स्टिल पीपल आर नॉट प्लानिंग द सेकेंड चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अब लोगों को माइक्रो और मिनी माइक्रो फैमिली में रहने की आदत पड़ गई थी, तो वो लोग दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं कर रहे थे। द कंट्रीज फर्टिलिटी रेट हैज़ बीन ड्रॉप्ड टू 1.3, फार बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 रिक्वायर्ड फॉर अ जनरेशन टू हैव इनफ चिल्ड्रन टू रिप्लेस इट। तो जो एवरेज रिप्लेसमेंट जनरेशन का जो वैल्यू है दैट इज़ 2.1, उससे काफ़ी कम चाइना में फर्टिलिटी रेट हो गया था एंड दैट इज़ 1.3। द यूनाइटेड नेशंस एक्सपेक्ट्स चाइनाज पॉपुलेशन टू बिगिन डिक्लाइनिंग आफ्टर 2030, बट सम एक्सपर्ट्स से दिस कुड हैपन एज अर्ली एज इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, and experts are still trying to find out the reason. Then and there are multiple aspects to this. Financial aspect है, social aspect है, economic aspect है, global aspects है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से चाइना की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और जब चाइना की पॉपुलेशन आने वाले कुछ सालों में डिक्लाइन होने लगेगी, इंडिया विल सरपास चाइनाज पॉपुलेशन टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेस्ट nation in the world. Concerns for falling population, so decreased labor. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर population कम होती है तो देश में, nation में काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। और चाइना का जो सबसे, क्यों चाइना सुपर पावर है? बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। व्हेन अ यंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री डिक्लाइंस इट क्रिएट्स लेबर शॉर्टेजेस विच हैव अ मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इंक्रीज्ड सोशल स्पेंडिंग, ठीक है, अगर लोगों को, अगर 60+ या 55+ वाले लोग घर पे बैठे हैं, वो लोग काम करने तो जाएंगे नहीं, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका नेशन बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ज़ीरो है। बट क्योंकि देर आर सेवरल पेंशन स्कीम्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सोशल स्पेंडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी उनके पास इनकम नहीं होगी। सो मोर ओल्डर पीपल ऑल्सो मीन्स दैट डिमांड्स फॉर हेल्थ केयर एंड पेंशन कैन सोर, बर्डनिंग द कंट्रीज सोशल स्पेंडिंग सिस्टम फर्दर व्हेन फ्यूअर पीपल आर वर्किंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। सो ये काफ़ी सिंपल सा सिनारियो है, एवरी कंट्री विल फेस दिस। क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग नेशंस, a problem unique to China though is that unlike the other developed countries, part of this trend is still in the middle income society. Despite being the world's second largest economy, prosperous countries like Japan and Germany, which face similar demographic challenges, can depend on investments in factories, technology and foreign assets. देखिए जापान में भी आप अगर देखोगे तो वर्किंग फोर्स से जो एल्डरली पीपल है उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट क्योंकि जापान का जो बेस है, इकोनॉमिक बेस इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वो अगर सोशली स्पेंडिंग करता भी है तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट चाइना स्टिल मिडिल इनकम के लोगों से बनी हुई सोसाइटी है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना को काफ़ी सीवियर सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है इन अपकमिंग ईयर्स। चाइना हाउएवर स्टिल डिपेंड्स इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मिंग। अ ड्रॉप इन डेमोग्राफिक डिविडेंड कुड thus hurt China and other developing nations like India more than those in the rich world. तो क्योंकि चाइना और इंडिया जैसे जो नेशन है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है और उनकी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास ग्रुप से आती है, या तो वो फिर फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इस सिचुएशन में अगर ऐसी डेमोग्राफिक उठापटक होती है कंट्री में तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा इंडिया और चाइना जैसे कंट्री को। इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन की जाए तो क्या है। सो इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पहले हम बात करेंगे। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1.36 बिलियन। हमारे पास लगभग 135 करोड़ जितनी पॉपुलेशन है एज़ पर 2011 सेंसस। सो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1.36 बिलियन एज ऑफ मार्च 2021, indicating an estimated 12.4% growth over the last decade. That is lower than the 17.7% between 2001 and 2011. तो देखिए हमारा जो population growth है उसमें हमें decline देखने को मिला है and almost 5% का डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हावेवर 2019 यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट हैड प्रोजेक्टेड इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2027। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ऐड नियरली 273 मिलियन पीपल बिटवीन 2019 एंड 2050। तो देखिए अगर चाइना की पॉपुलेशन आने वाले कुछ सालों में डिक्लाइन होने लगेगी सो ऑटोमेटिकली इंडिया विल सरपास चाइनाज़ पॉपुलेशन एंड विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। इंडियन मेजर्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए इंडिया में आप अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर कोई पार्लियामेंट कोई रूल पास करती है तो वी हैव सो मेनी चैलेंजेस बेस्ड ऑन रिलीजियन, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक फ्रंट, बेस्ड ऑन अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, वी हैव सो मेनी हर्डल्स टू फेस, राइट। कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी को गलत बताएगा, राइट। बट इट इज़ ट्रू इंडिया डज नॉट हैव रिसोर्सेस जो 135 करोड़ या 150 करोड़ की पॉपुलेशन को इक्वली हम बांट सकें। सो इन दिस केस इट इज़ नेसेसिटी फॉर अस कि हम ऐसा कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, राइट। अभी आपने देखा होगा कि आसाम और उत्तर प्रदेश में रिसेंटली, राइट, आसाम और उत्तर प्रदेश में ये कानून बनाया गया है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी कपल के तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी या आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन दो यू आर एलिजिबल फॉर दैट बेनिफिट, अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी कपल के तो आपको उस गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ इन अ वे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको देखेंगे तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट। व्हाई? बिकॉज अ पर्सन शुड हैव द राइट कि उसको कितने बच्चे चाहिए। बट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कि हमें एक अच्छी सोसाइटी अगर बनानी है सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी रैपिडली ग्रो करे। क्यों? क्योंकि हमारे वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। वी आर ऑलरेडी फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, फूड शॉर्टेजेस। तो अगर इतने लोग ऐड होते जाएंगे साल दर साल तो जो ऑलरेडी जो लोग हैं, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी जो जॉब सीकर्स है, उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को रिसोर्सेज की कमी धीरे धीरे होने लगेगी। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि किसी ना किसी तरह लोगों के मन में ये डाला जाए कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे आपको नहीं करने। इवन दो गवर्नमेंट इज़ नॉट मेकिंग अ स्पेसिफिक रूल फॉर दिस, ये गवर्नमेंट चाहती है कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें। सो प्राइम मिनिस्टर्स अपील क्या है? ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2019 द प्राइम मिनिस्टर अपील्ड टू द कंट्री दैट पॉपुलेशन कंट्रोल वॉज अ फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया है। सो गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन परिवार विकास 2017 फॉर सब्सटेंशियल इंक्रीजिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स। सो जहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता है वहाँ पे घर घर जाकर लोगों को, मेल एंड फीमेल बोथ को, समझाया जा रहा है कि यू शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन योर लाइफ सो दैट द child birth can be prevented. Compensation scheme for sterilization acceptors. Under this scheme, the Ministry of Health and Family Welfare provides compensation for loss of wages to the beneficiary and also the service provider for conducting sterilizations from the year 2014. National Family Planning Indemnity Scheme. This scheme was launched in the year 2005. Under this scheme, clients are insured in the eventualities of death कॉम्प्लिकेशन एंड फेलियर फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन. तो गवर्नमेंट देखिए एज ऑफ नाउ बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, गवर्नमेंट कोई क्लियर कट रूल आपके लिए नहीं बना रही है कि आपको एक बच्चा करना चाहिए या दो बच्चा करना चाहिए, राइट. बट धीरे धीरे नाउ इट्स अ डिमांड ऑफ द टाइम दैट यू शुड क्रिएट अ लॉ that prevent child birth and there should be a cap कि एक या दो बच्चे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते. ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है that is also related to China और वो है China's artificial sun called EAST. So recently China's experimental advanced superconducting tokamak EAST achieved a peak temperature of 288 million degrees Fahrenheit which is over 10 times hotter than the real sun. तो चाइना ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है जो कि एंटायर चाइना की जो इलेक्ट्रिसिटी और जो पावर जनरेशन की जो प्रॉब्लम है उसको पूरा कर सकती है और काफ़ी सालों तक उसको एड्रेस कर सकती है. और वो है चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है और रिसेंटली चाइना ने थ्रू द एक्सपेरिमेंट उसका जो टेम्परेचर है वो अचीव किया 288 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट विच इज़ 10 times हायर देन द एक्चुअल सन्स टेम्परेचर. चाइना इज़ नॉट ओनली कंट्री दैट हैज़ अचीव्ड हाई प्लाज्मा टेम्परेचर्स. इन 2020 साउथ कोरियाज KSTAR Korea superconducting tokamak advanced research reactor set a new record by maintaining a plasma temperature of over 100 million degrees Celsius for 20 seconds. Okay, तो चाइना के अलावा साउथ कोरिया भी ऑलरेडी recent similar kind of research में लगा हुआ है. What is a tokamak? So the tokamak is an experimental machine designed to harness the energy of fusion. Inside a tokamak, the energy produced through the fusion of atoms, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जिस तरह की एटॉमिक चेन्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, सेम टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ टोकमाक. इनसाइड अ टोकमाक द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन ऑफ एटम्स इज़ अब्सॉर्ब्ड एज द हीट इन द वॉल्स ऑफ द वेसल. Like a conventional power plant, a fusion power plant uses this heat to produce steam and then electricity by way of turbines and generators. The EAST reactor is an advanced nuclear fusion experimental research device located at the Institute of Plasma Physics of the Chinese Academy of Science in Hefei, China. और वहीं पे इसका जो टेम्परेचर है वो 288 मिलियन फ़ारेनहाइट पे पहुंचाया गया. EAST फर्स्ट बिकेम ऑपरेशनल इन 2006. और देखिए कितने सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद चाइना को ये अचीवमेंट मिली है. पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ द आर्टिफिशियल सन इज़ टू रेप्लिकेट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज़ द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन. तो जिस चेन रिएक्शन से सन अपनी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है, उसी सेम प्रोसेस चेन को रेप्लिकेट करने का चाइना का यहाँ पे एम है ताकि चाइना एनर्जी इश्यूज जो है उसको एड्रेस कर पाए. दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी विच विल बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर व्हेन इट बिकम्स ऑपरेशनल इन 2035. The ITER members include China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States. तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज़ है वो इस प्रोजेक्ट में साथ में लगी हुई है और जब 2035 में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर रेडी होगा, इट विल बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर. ओके वर्किंग कैसे करेगा? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस दैट इज़ कैरिड आउट बाय द सन एंड द स्टार्स. For nuclear fusion to occur, tremendous heat and pressure are applied on hydrogen atoms so that they fuse together. The nuclei of the deuterium and tritium, both found in hydrogen, are made to fuse together to create a helium nucleus, a neutron, along with a whole lot of energy. तो इतना ज़ोर से उनको कोलाइड करवाया जाएगा कि जिससे हीलियम न्यूक्लियस बनेगा एंड अ न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद अ होल लॉट ऑफ एनर्जी. गैसियस हाइड्रोजन फ्यूल इज़ हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस सो दैट इट फॉर्म्स अ हॉट प्लाज्मा ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स. With the help of a strong magnetic field, the plasma is kept away from the walls of the reactor to ensure it does not cool down and lose its potential to generate large amounts of energy. The plasma is confined for long durations for fusion to take place. Okay, so similar kind of reaction हमने जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करते हैं तो यही रिपीटेटिव प्रोसेस आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी देखने को मिलेगी. Other tokamaks in China कौन से है? So apart from East, China is currently operating the HL2A reactors as well as JTEXT. In December 2020, HL2M tokamak, China's largest and most advanced nuclear fission experiment research device, was successfully powered up for the first time, a key milestone in the growth of China's nuclear power research capabilities, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा था. सिग्निफिकेंस क्या है? सो इट इज़ सिग्निफिकेंट एज फार एज चाइनाज ग्रीन डेवलपमेंट इज कंसर्नड. न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस थ्रू विच हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड विदाउट जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट. ओके, अनलाइक फिशन, फ्यूजन ऑल्सो डज नॉट एमिट ग्रीन हाउस गैसेज एंड इज कंसिडर्ड अ सेफर प्रोसेस विथ लोअर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स. तो ये ज़्यादा सेफ है, एनवायरमेंटली ज़्यादा फ्रेंडली है, एंड दैट्स वाई एंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट चाइना कि अगर चाइना सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च में अगर सक्सेसफुल होता है तो चाइना की हेल्प लेकर हर कोई कंट्री अपने कंट्री में, अपने रीजन में ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहेगा बिकॉज इट इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल. न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? सो न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लाई or a nucleus and an external subatomic particle collide to produce one or more new nuclides. Thus, a nuclear reaction must cause a transformation of at least one nuclide to another. न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे. सो न्यूक्लियर फिशन क्या है? अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू डॉटर न्यूक्लाई. तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होगा कि एक जो हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियस है वो दो छोटे न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाएगा. जो दो न्यूक्लाई बने वो फर्दर चार न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाएंगे, 4 16 में डिवाइड होंगे. सो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी. द डीके कैन बी नेचुरल स्पॉन्टेनियस स्पिटिंग बाय रेडियोएक्टिव डीके और एक्चुअली बी सिम्युलेटेड इन अ लैब बाय अचीविंग नेसेसरी कंडीशंस, बॉम्बार्डिंग विद न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा. वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर स्कूल्स, राइट? ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी किया है, हाउ द अल्फा, बीटा एंड गामा रेज वर डिस्कवर्ड. वी ऑलरेडी नो दैट थियरी. सो द रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स टेंड टू हैव अ कंबाइंड मास विच इज़ लेस देन द ओरिजिनल. द मिसिंग मास इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर एनर्जी. करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन. तो जो भी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिसेंटली देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन. What is nuclear fusion? So nuclear fusion is, as the name suggests, वो किसी का fusion होगा, right? Nuclear fusion is defined as the combining of two lighter nuclei into a heavier one. The opposite concept is same, okay? The ultimate goal is to produce energy only. The method is different. Such nuclear fusion reactions are the source of energy in the sun and the stars. It takes considerable energy to force the nuclei to fuse. The conditions needed for this process are extreme, millions of degrees of temperature and millions of pascals of pressure. The hydrogen bomb is based on the thermonuclear fusion reaction. However, a nuclear bomb based on the fission or uranium or plutonium is placed at the core of the hydrogen bomb to provide initial energy. ओके तो ये दोनों आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको ये फ्यूजन एंड फिशन का जो डिफरेंस है या नॉलेज है वो आपको पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कॉर्बीवैक्स. तो अगर इस वैक्सीन की जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो अगर सक्सेसफुल होती है तो इंडिया को अपनी तीसरी वैक्सीन मिलेगी, सेकेंड इन इंडिजीनियस, थर्ड इन overall. okay, so उसका नाम है Corbivax COVID-19 vaccine. So India has placed an advance order to block 300 million doses of new COVID-19 vaccine Corbivax. क्या है ये Corbivax vaccine? So it is India's indigenous COVID-19 vaccine which is currently undergoing phase 3 clinical trials. और मोस्ट प्रोबेबली एज पर द इनपुट्स ये जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल है उसको पास कर लेगी। वर्किंग कैसे होगा? सो इट इज़ अ recombinant protein subunit vaccine. It means it is made up of a specific part of SARS-CoV-2, the spike protein on the virus's surface. तो वायरस की सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको लेकर ये वैक्सीन बनाई गई है। द स्पाइक प्रोटीन अलाउज द वायरस टू एंटर द सेल्स इन द बॉडी सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज डिजीज। हावेवर व्हेन दिस प्रोटीन अलोन इट is given to the body, it is not expected to be harmful as the rest of the virus is absent. The body is expected to develop an immune response against the injected spike protein. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायरस इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट? यहाँ पे जस्ट जो वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है उसको इंजेक्ट कर लिया जाएगा। और वो स्पाइक प्रोटीन का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो स्पाइक प्रोटीन की वजह से कोरोना वायरस आपके बॉडी सेल में घुस कर रेप्लिकेट करता था। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन आपके बॉडी में इंजेक्ट होगा इन फॉर्म ऑफ द वैक्सीन, तो आपकी बॉडी उसके सामने जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बना लेगी और जब वायरस अटैक करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा खुद को। सो देयरफॉर व्हेन द रियल वायरस अटेम्प्ट्स टू इन्फेक्ट द बॉडी, इट विल ऑलरेडी हैव एन इम्यून रिस्पॉन्स रेडी दैट विल मेक इट अनलाइकली फॉर द पर्सन टू फॉल सीवियरली इल। ओके, तो जैसे बाकी वैक्सीन काम करती है वैसे ये वैक्सीन भी काम करेगी। डिफरेंस बिटवीन कॉर्बीवैक्स एंड अदर कोविड-19 वैक्सीन्स, सो दे आर ईदर mRNA वैक्सीन्स, फाइजर और मॉडर्ना जो कि USA UK में यूज़ हो रही है, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स कोविडशील्ड एंड स्पुतनिक। स्पुतनिक भी ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है, राइट, बट दैट इज़ नॉट एन इंडिजीनियस वैक्सीन, वो रशिया से सप्लाई की गई है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कोवैक्सीन, सिनोवैक, कोरोनावैक और सिनोफार्म्स वेरोसेल। सो वायरल वेक्टर एंड mRNA वैक्सीन्स यूज अ कोड टू इंड्यूस आवर सेल्स टू मेक द स्पाइक प्रोटीन्स अगेंस्ट विच द बॉडी हैज़ टू बिल्ड इम्यूनिटी। इन द केस ऑफ कोर्बीवैक्स प्रोटीन इटसेल्फ इज गिवन, तो बाकी सारी वैक्सीन्स में वो प्रोटीन बॉडी में बनेगा और उसके सामने इम्यूनिटी बिल्ड होगी। कोर्बीवैक्स में सीधा सीधा प्रोटीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और बॉडी का काम सिर्फ क्या होगा, उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स को बिल्ड करना। mRNA vaccines work by using messenger RNA, which is a molecule that essentially puts DNA instructions into action. Inside a cell, mRNA is used as a template to build a protein. Viral vector vaccines use a modified version of a different virus to deliver important instructions to our cells. Inactivated vaccines include killed particles of the whole SARS-CoV-2 virus, attempting to target the entire structure of the virus. Okay, Corbivax, like the mRNA and viral vector COVID-19 vaccines, targets only the spike protein but in a different way. Okay, तो ultimately सारी प्रोटीन टारगेट किसको कर रही है? स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करेगी। कोर्बीवैक्स में क्या किया गया है, वायरस के ऊपर से जो स्पाइक प्रोटीन है उसको उठाकर उसी को सीधा बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। डेड वायरस को या एक्चुअल वायरस को बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। बॉडी वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट आपकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बिल्ड कर लेगी। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि मनाया गया 5 जून को। सो द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 5 जून एन्युअली टू एनकरेज अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्पज़ तो हमें हमेशा पता ही है। हिस्ट्री क्या है? सो द यूनाइटेड नेशंस असेंबली एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 1972, विच वाज द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए, लॉकडाउन पूरा वर्ल्ड पिछले 1-1.5 साल से पार्शियल या कंप्लीट लॉकडाउन के अंडर लिव कर रहा है, राइट? सो ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें ये पता चला कि इकोसिस्टम को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो इकोसिस्टम विल हील इटसेल्फ रैपिडली। जो ह्यूमन इंटरवेंशन अगर बंद कर दिया जाए तो इकोसिस्टम आसानी से अपने आप को रिस्टोर कर सकती है और उसी के बेस पे 2021 की थीम रखी गई, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। It will kick off the UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 to 2030, a global mission to revive billions of hectares from forest to farmlands, from the top of mountains to the depth of the sea. तो हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी भारी नुकसान होता हुआ हमें दिख रहा है. यूनाइटेड नेशंस अब ये नहीं चाहता कि डेवलपमेंट के नाम पर हम हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करें. सो ये जो पूरा डिकेड रहेगा फ्रॉम 2021 टू 2030 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड रहेगा. हर कंट्री को ये बताया गया है कि आप चाहे कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी बनाओगे उस डेवलपमेंट पॉलिसी को एनवायरनमेंट कॉम्पिटेबल वो पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आपका डेवलपमेंट भी हो और आप एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा हार्म ना करो. द थीम फॉर दिस ईयर्स इन इंडिया इज़ प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट. होस्ट नेशन इस बार का कौन था? सो इस बार का जो होस्ट नेशन था वो था पाकिस्तान. सो पाकिस्तान विल बी द ग्लोबल होस्ट फॉर 2021. इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? E100 pilot project has been launched in Pune for the production and distribution of ethanol across the country. The government is releasing the E20 notification that will allow oil companies to sell 20% ethanol blended petrol from 1st April 2023 and BIS specification for ethanol blends E12 and E15. तो देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि हम BS4 इंजिन्स को छोड़कर अब BS6 इंजिन्स में जा चुके हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 37th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार. सो रिसेंटली द 37th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द कंट्री. क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? So it is a code name given to an Indian military operation to remove the separatists who were hidden inside the Golden Temple at Amritsar on 5th of June 1984. The operation was ordered by the Prime Minister Indira Gandhi primarily to take control of the हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर जिसको हम जानते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से. द इंडियन मिलिट्री एंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ द टेम्पल टू ड्राइव आउट द सिख एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लीडर जर्नैल सिंह भिंडरांवाले एंड हिज आर्म्ड फॉलोअर्स. द ऑपरेशन हैड टू कंपोनेंट्स टू इट, ऑपरेशन मेटल विच वॉज द इन्वेजन ऑन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड ऑपरेशन शॉप विच वॉज कन्फाइंड टू द कंट्री साइड ऑफ द स्टेट. This operation helped in eliminating Khalistani terrorism. It resulted in the death of Bhindranwale. Few months post Operation Blue Star, Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards, followed by severe anti-Sikh riots in Delhi. तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था उनके खुद के ही सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जो कि सिख रिलीजन को बिलोंग करता था और उनकी वजह से इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था. एंड दैट्स वाई ऑपरेशन ब्लू स्टार होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री. बैकग्राउंड क्या था? कौन था जर्नैल सिंह भिंडरांवाले? क्या है खालिस्तान? ओके. सो जर्नैल सिंह भिंडरांवाले वांटेड द इंडियन गवर्नमेंट टू पास एन आनंदपुर रिजोल्यूशन एंड देयरबाय अग्री टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान फॉर सिख्स. Since 1982, the radical leader of Sikhism had managed to gain enough support for his cause and by mid-1983 had set up a base inside the Golden Temple complex with ammunition and his followers. Hence, Operation Blue Star was launched between June 1st to June 6th, 1984 with the aim of getting rid of Bhindranwale and his demands. और उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाया गया. इट इज़ अ काउंटर टेररिज्म यूनिट दैट फॉर्मली केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1986 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मानेसर, गुरुग्राम. द आइडिया बिहाइंड रेजिंग सच फोर्स केम in the aftermath of Operation Blue Star, Akshardham Temple attack and the assassination of former PM Indira Gandhi for combating terrorist activities with a view to protect the state against internal disturbance, जिसको हम internal civil war के नाम से जानते हैं. ओके, आंतरिक गृह युद्ध के नाम से जानते हैं. तो ऐसी सिचुएशन से कंट्री को या स्टेट को बचाने के लिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्मेशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अगेन रिलेटेड टू स्पेस और वो है न्यू मिशंस टू वीनस, नासा का। ओके, सो रिसेंटली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अनाउंस्ड 2 न्यू रोबोटिक मिशंस टू वीनस, जिसको हम शुक्र के नाम से जानते हैं, विच इज़ आइडेंटिकल twin planet to Earth. Earlier, scientists obtained new data about Venus by bouncing radio waves of the planet. अब क्यों हम Mars पे भी जा रहे हैं एंड Venus पे भी जा रहे हैं, तो दोनों जगह जाने का हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि पास्ट लाइफ के बारे में रिसर्च करना। अगर पास्ट लाइफ के बारे में हमें कोई प्रूफ मिलता है तो उसके बारे में रिसर्च करना। सो दी टू सिस्टर मिशंस एम टू अंडरस्टैंड हाउ वीनस बिकेम एन इन्फर्नो लाइक वर्ल्ड केपेबल ऑफ मेल्टिंग लीड ऑफ द सरफेस। जो 2 रोबोटिक मिशंस है वो कौन से हैं? एक का नाम है डाविंची प्लस, इट विल बी द फर्स्ट ऑफ द 2। इट विल एनालाइज द थिक क्लाउडी वेनेशियन एटमोसफियर इन एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर द इन्फर्नो प्लैनेट एवर हैड एन ओशन एंड वॉज पॉसिबली हैबिटेड। A small craft will plunge through the atmosphere to measure the gases. और दूसरा जो आपका जो वीनस के को भेजा जाएगा वो रोबोटिक मिशन होगा वेरिटास। So it will be the second one seeking a geologic history by mapping the rocky planet's surface. क्या सिग्निफिकेंस होगा? सो द न्यू मिशंस विल गिव फ्रेश व्यूज ऑफ द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर मेड अप मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाउन द कोर। और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पास्ट लाइफ थी या नहीं, अब वो कभी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो पॉसिबली हैबिटेड था या नहीं। प्रीवियस मिशंस कौन से हैं जो भेजे गए हैं वीनस पे? सो यूएस के मिशन है मैरिनर सीरीज़ 1962 टू 1974, पायोनियर वीनस 1 एंड पायोनियर वीनस 2 इन 1978, मैगेलन इन 1989। रशिया ने भेजे थे वेनेरा सीरीज़ ऑफ स्पेसक्राफ्ट 1967 टू 1983, वेगास 1 एंड 2 इन 1985। जापान आकात्सुकी इन 2015, यूरोप वीनस एक्सप्रेस इन 2005। इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव है? सो इंडिया प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू ऑर्बिटर टू वीनस नेम्ड शुक्रयान टू वीनस इन 2024। ओके, तो जैसे हमने मंगलयान भेजा उसी तरह से हम शुक्रयान भेजेंगे, जो कि एक ऑर्बिटर के तौर पर वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा। ओके, एंड दिस इज़ योर बेसिक सोलर सिस्टम। एवरी वन ऑफ अस has studied this in our school time. So it is named after the Roman goddess of love and beauty. किसके बारे में बात हो रही है? वीनस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वीनस is named after the Roman goddess of love and beauty. It is the second planet from the sun and 6th in the solar system in size and mass. It is the second brightest natural object in the night sky after the moon. Venus आपको naked eye से भी atmosphere में दिख जाएगा। It is the second brightest natural object in the night sky after the moon. Probably that is the reason why it was first planet to have its motions plotted across the sky as early as the 2nd millennium BC. तो काफ़ी सालों से मैं ये पता था कि Venus जैसा कोई substance है अर्थ के नज़दीक। अनलाइक द अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, वीनस एंड यूरेनस स्पाइन क्लॉकवाइज ऑन देयर एक्सिस। ओके, सो बाकी सारे जो है उससे विपरीत, उनसे अपोजिट, वीनस एंड यूरेनस स्पाइन क्लॉकवाइज ऑन देयर एक्सिस। It is the hottest planet in the solar system because of the high concentration of carbon dioxide, which works to produce an intense greenhouse effect. A day on Venus is longer than a year. It takes Venus longer to rotate once on its axis than to complete one orbit of the sun. That's 243 Earth days to rotate once, the longest rotation of any planet in the solar system and only 224.7 Earth days to complete one orbit of the Sun. This is just for your information, okay? This is not the stuff that examiner can ask you, right? But this is the basic stuff that you should be aware of, that why Venus and Sun is called the twin sisters or twin planets. Venus and Earth. So Venus has been called Earth's twin because of the similarities in their masses, size and densities, and their similar relative locations in the solar system. No planet approaches closer to Earth than Venus. At its nearest, it is closest large body to Earth other than the Moon. So Venus is the only planet जो इतना नज़दीक आ सकता है, और the celestial body, it is the only celestial body after the moon जो अर्थ के इतना नज़दीक आ सकती है. Venus has 90 times the atmospheric pressure of Earth. Reason for studying Venus तो already हम discuss कर चुके. It will help to learn how Earth-like planets evolve and what conditions exist on Earth-sized exoplanets. It will help in modeling Earth's climate and serves as cautionary tale on how dramatically a planet's climate can change. Okay, so यही सारी बातों को जानने के लिए हम वीनस को study कर रहे हैं. So this was your today's lecture. I hope you have understood each and every topic. If not, please let us know and we will clear your doubts. Till then, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.